हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए तीन नई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आ गए हैं। तो ये जॉब डेज बेसिकली विप्रो, जीटा एंड ईपैम की तरफ से आ रही है, तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपको डायरेक्ट जॉब के लिंक पे लेके चलते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। चलिए, अब आपको डायरेक्ट लिंक पे लेके चलते हैं। तो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है विप्रो की तरफ से, ठीक है। विप्रो हायर कर रही है वेल 2020 और 2021 के लिए। ये बेसिकली ऑफ कैंपस हायरिंग है, और यहाँ पे जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है ये है कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है। इसमें एक यूनिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा जो ऑफर करेगा बीएससी और बीसीए स्टूडेंट को एक चांस उनके अच्छे करियर बनाने का विप्रो में, वाइल परस्यूइंग देयर हायर एजुकेशन इन एमटेक फ्रॉम अ प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया स्पॉन्सर्ड बाई विप्रो, ठीक है। तो बीसी और बीएससी वाले एलिजिबल हैं यहाँ पे, और आप 10th 12th पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन में ज़्यादा नहीं 60% या 6 CGPA होना चाहिए, और 2020 एंड 2021 दोनों बैच वाले एलिजिबल हैं। आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप, ये अप्लाई बटन है, यहाँ से आप आके अप्लाई कर सकते हैं। एंड कुछ ज़्यादा मांगा नहीं है, बीसीए हो या फिर आपका बीएससी हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स से। अदर क्राइटेरिया में ज़्यादा कुछ इन्होंने मांगा नहीं, खाली 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में 60% या 6 CGPA होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपका 15,000 स्टाइपेंड होगा, सेकेंड ईयर में 17,000, थर्ड ईयर में 19,000 एंड फोर्थ ईयर में 23,000 एंड सो ऑन। सर, बस एक चीज़ ध्यान देने वाली बात की है कि यहाँ पे जो आपका सर्विस एग्रीमेंट है ना, ये 60 मंथ का होगा, मतलब 5 साल के लिए। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ ज़्यादा है नहीं, खाली ऑनलाइन असेसमेंट होगा 80 मिनट का, जिसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, और सारे सेक्शन 20 20 मिनट के होंगे। तो 20 मिनट का वर्बल होगा, 20 मिनट का एनालिटिकल होगा और 20 मिनट का क्वांटिटेटिव होगा। तो टोटल एप्टीट्यूड ये होंगे, उसके बाद आपका रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा इस टाइप का, और ये सिलेक्शन होने के बाद आपको एक टेक्निकल इंटरव्यू जाना पड़ेगा, उसके बाद वो फॉलोड बाई एचआर इंटरव्यू। लास्ट डेट टू अप्लाई इस 12 दिसंबर, और ऑनलाइन असेसमेंट बेसिकली 15 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में होगा। विल 2020 एंड 2021 की हायरिंग है, आप डायरेक्टली जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगी, आप वहां से आके ये अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी ईपैम की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला हुआ है, ये खाली 2021 ग्रेजुएट के लिए है जो कि जावा, जेएस या डॉट नेट में काम किए हो। जो जॉब टाइटल होगी वो होगी जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और एलिजिबिलिटी कौन सी है कि 2021 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ मांगा नहीं है, इसमें भी 60% का ही मांगा है। और जॉब लोकेशन तो आपको ये समझ लीजिए कि कोई से भी ईपैम के इंडिया ऑफिस में आपको भेज दिया जा सकता है, जैसे कि हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई एंड गुड़गांव। ट्रेनिंग लोकेशन तो हैदराबाद नहीं होगी, और हायरिंग प्रोसेस में क्या होगा कि आपका एक राउंड कोडिंग असेसमेंट होगा, देयर विल बी वन राउंड ऑफ कोडिंग असेसमेंट फॉलोड बाई टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। और सैलरी जो आपकी सीटीसी होगी वो होगी 6 लाख पर एनम प्लस स्टैंडर्ड बेनिफिट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप डायरेक्टली जाके इसको ग्रैब करिए, अप्लाई करिए और अच्छे से इसके लिए तैयारी करिए, इसको दीजिए। अब ये समझ लीजिए कि कोई भी बीए, बीटेक, एमटेक, एमई ब्रांच वाले एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे कुछ चीजें और बता रखी हैं कि जो कैंडिडेट पिछले 6 महीने में अप्लाई किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑनबोर्डेड ऑन आइदर जनवरी 2022 और फरवरी 2022। तो जनवरी या फरवरी में आपको ऑनबोर्ड के लिए बुलाया जा सकता है। आप रजिस्ट्रेशन करिए, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आके आप डायरेक्टली आइए, ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पूछिए, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है ये, यहाँ पे आप आके मोबाइल नंबर, जेंडर एंड ग्रेजुएशन, कॉलेज नेम अपना बता दीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप क्या किया, बी बीटेक, एमटेक, एमई एंड सो ऑन, कौन सी ब्रांच है आपकी, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप यहाँ फिल करिए। ये भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार फिर से बता दें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ईपैम की तरफ से, 2021 बैच वाले एलिजिबल हैं। आपको ये अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्टली आके आप वहाँ से अप्लाई करिए। और एट द लास्ट हम चल रहे हैं, जो कि अपनी एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जीटा की तरफ से 2022 ग्रेजुएट के लिए। तो जो इस साल फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जीटा की तरफ से, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करते हुए आपको यहाँ पे लेके चलते हैं। ये लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्टली जाके वहां से आप अप्लाई करिए। तो ये जीटा बेसिकली इंटर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर ग्रेजुएट को हायर कर रही है 2022 बैच वालों के लिए।
इसके बारे में ये दे रखा है कि इट इज को फाउंडेड बाई, इसके सीईओ का नाम दे रखा है एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली आइए, आपको ये अप्लाई फॉर दिस जॉब ये लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्किल कौन कौन सी मांगी है, तो आप मास्टर्ड होने चाहिए बिलो स्किल में, तो आपको जावा आनी चाहिए, सी शार्प आनी चाहिए, PHP, रूबी, पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। बोनस पॉइंट क्या है ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि एक्टिव ब्लॉगर, एबिलिटी टू रैटल ऑफ द नेम ऑफ एवरी प्लैनेट फ्रॉम इट्स फाउंडेशन, नॉलेज ऑफ एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। तो ये सारी चीजें हैं, अप्लाई लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगी, अप्लाई फॉर दिस जॉब, यहाँ से आप आके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें।